यहाँ पे कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है, बच्चे आप ऑब्वियसली आप सामने देखते हो किसी को पढ़ते हुए, आप मोटिवेट होते हो, फिर आप और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो। घर से अच्छा है, लाइब्रेरी आने से क्या है, एक डिसिप्लिन बना रहता है। आदमी सुबह घर से निकलता है, तैयार वैर होता है और एकदम एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, जिसे टाइम टेबल से आदमी पढ़ लेता है अच्छे से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अतुल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज हैं हम युवा लाइब्रेरी कमला नगर में, जहाँ की यूपीएससी एस्पिरेंट्स और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं कि कैसे लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट होता है, क्या फैसिलिटीज़ होती है, कितनी फ़ीस होती है, तमाम प्रकार की जानकारियाँ आज हम पर्टिकुलरली एस्पिरेंट से लेने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो हमारे साथ हैं एस्पिरेंट, हम इनसे इनके बारे में जानते हैं और लाइब्रेरी के बारे में जानते हैं। सर, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? सुधांशु सोनकर फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली, ओके। तो सर, आप इस लाइब्रेरी में कब से आ रहे हैं? अराउंड 2 महीने तो हो गए हैं यहाँ पे आते हुए। 2 महीने। सर, इस लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है आपको? सबसे पहले तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा। लाइटनिंग है, वाटर की फैसिलिटी है, वाईफाई अच्छा है और सबसे अच्छा स्टाफ यहाँ पे बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है काफ़ी। ओके सर, न्यूज़पेपर वगैरह सुबह में मिलता है? हाँ, न्यूज़पेपर आते हैं यहाँ पे, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों। ओके, सिर्फ दो हिंदी के न्यूज़पेपर नहीं आते? हिंदी का मैं पढ़ता नहीं तो मेरे को आइडिया नहीं, शायद आता होगा। ओके सर, सर इस लाइब्रेरी की फ़ीस कितनी है? फ़ीस डिफरेंट है जैसे आर्स के हिसाब से है यहाँ पे, जैसे 8 घंटे की 1200, 6 घंटे की भी है, मतलब डिफरेंट रेट्स हैं यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट। ओके, आप कितना पे करते हैं सर? मैं तो यहाँ पे 1200 पे करता हूँ 8 आवर्स के लिए। 8 आवर्स आप पढ़ते हैं। सर, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल SSC CGL की चल रही है। SSC CGL, ओके। तो सर, जो हमारे एस्पिरेंट हैं जो लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनको आप मतलब क्या कहना चाहिएगा कि लाइब्रेरी में पढ़ना सही है, मतलब इन्वायरमेंट यहाँ का कैसा होता है मेरा? लाइब्रेरी में पढ़ना इसलिए सही है क्योंकि एक तो कॉम्पिटेटिव वाली फीलिंग रहती है, घर पर रह के आप थोड़ा लेज़ी फील करते हो या फिर काम पड़ जाते हैं। मैं जैसे दिल्ली से हूँ तो मेरे को आए दिन 10 काम होते हैं घर पर। यहाँ पर आता हूँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता तो फ़ोन कॉल्स नहीं आते, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। वैसे बेकार भी है बट अच्छी भी है स्टूडेंट के लिए। ओके सर, सर यहाँ का वाटर फैसिलिटी कैसा है? वाटर कैसा? फैसिलिटी ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि नहीं होता बट मोस्टली रहता है। और सर, यहाँ की लाइटिंग वगैरह कैसी रहती है? लाइटिंग तो एकदम बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर, नमस्कार। हाय, हेलो सर, आपका नाम? अविनाश। सर, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं पास कमला नगर से। ओके सर, आप इस लाइब्रेरी में कब से आ रहे हैं, कितने मंथ हो गए? 6 to 8 मंथ अराउंड। ओके सर, आप किस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं? आई बिन इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरी पढ़ाई किस स्तर की चल रही है, तो अनएकेडमी लेकर आया है यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट। इस कॉम्बैट में आपको 60 मिनट में 56 क्वेश्चन करने हैं। यह कॉम्बैट 26 दिसंबर और इसी के अलावा 2 जनवरी जो हर संडे मॉर्निंग में 11 बजे होता है, और ये कॉम्बैट यूपीएससी के रिसेंट सिलेबस पर आधारित है। साथ ही साथ जो क्विज़ आएंगे वो अनएकेडमी के टॉप एडुकेटर द्वारा बनाए जाते हैं। अगर इस कॉम्बैट में आपकी रैंक 1 to 3 आ जाती है तो 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, और 4 to 10 आ जाती है 75% स्कॉलरशिप मिलेगी, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा अनएकेडमी लेकर आया है फ्री टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी मुन्नाल्स मंडे। इसमें 20 MCQ मिलेंगे, 20 मिनट्स मिलेंगे, जिसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी, जो एवरी मंडे 8 बजे होगा। T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज दिसंबर, इसमें 15 MCQ मिलेंगे, 15 मिनट्स मिलेंगे, और जिसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी तो 7:30 बजे होगा। अभियान डेली स्टैटिक क्विज 2.0, 15 MCQ मिलेंगे, 15 मिनट्स मिलेंगे, जिसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी, जो मंडे टू फ्राइडे 10 बजे होगा। दोस्तों, कॉम्बैट और फ्री टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाए और अभी ज्वाइन हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अनएकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, देन उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूले। धन्यवाद। थैंक फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज, ओके। सर, आप इस लाइब्रेरी में कितना समय अपना व्यतीत करते हैं? अराउंड 10 to 12 आवर्स। सर, 10 to 12 आवर्स का फीस कितना है? 1400 समथिंग, 1400 से 1500 के अराउंड। ओके, तो सर आप इतने घंटे यहाँ पर रह लेते हैं, पढ़ाई ही पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ? नहीं नहीं, कुछ बीच बीच में ब्रेक भी लेता हूँ, जैसे अभी खाने जाऊँगा या फिर शाम में होगा स्नैक्स वगैरह करने।
ओके सर, ये जो इस लाइब्रेरी के ऑनर हैं उनका बिहेवियर कैसा है? वो पैसे के लिए कभी लेट वगैरह हो गया तो उसके लिए? नहीं नहीं, काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर है, बहुत अच्छा है। ये इस लाइब्रेरी के ऑनर का बिहेवियर कैसा है? बहुत फ्रेंडली है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बिहेवियर अच्छा है, सबका अच्छा है, फ्रेंडली स्टाफ। ओके मैम, यहाँ वाईफाई कितना टाइम तक लेते हैं आपको? फुल मिलता है वाईफाई? वाईफाई का कोई दिक्कत नहीं है, कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, 3 to 4 वाईफाईज लगे हुए हैं। ओके मैम, आपको कोई प्रॉब्लम है इस लाइब्रेरी में, आप संतुष्ट हो फुल? नहीं, आई एम सेटिस्फाइड। ओके मैम, मैम आप किसकी तैयारी करते हैं? CGL। CGL कब से कर रहे हैं मैम आप तैयारी? 2020 से कर रही हूँ, अभी मेरा मेंस का एग्ज़ाम है। ओके आपने पिछला जो एग्ज़ाम हुआ उसमें दिया? वाला दिया था। ओके मैम, मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हेलो मैम, आपका नाम? शुभम सिंह। मैम आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से मैम, आप इस लाइब्रेरी में कब से आ रही हैं? ऑलमोस्ट 2 months। 2 months, ओके मैम, आप यहाँ फीस कितना पे करती हैं? 1350। कितने आवर्स का है मैम? 10 hours। 10 hours, ओके मैम, आप तैयारी किस एग्ज़ाम की कर रही हैं? UPSC। ओके तो मैम, आप इस लाइब्रेरी में मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं सुबह से लेकर शाम जब तक आप यहाँ रहते हो? एक्चुअली यहाँ पे पानी का आपने पूछ चुके हो, पानी वानी का अवेलेबल कराते हैं, वाईफाई अवेलेबल कराते हैं, काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पे, कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है, बच्चे आप ऑब्वियसली आप सामने देखते हो किसी को पढ़ते हुए, आप मोटिवेट होते हो फिर आप और ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो। ओके मैम, आप UPSC की तैयारी कब से कर रही हैं? ऑलमोस्ट 6 to 8 months से। ओके मैम, अगर इस लाइब्रेरी का रेटिंग करें तो आप इसको कितना रेट देंगी? 4 out of 5। ओके ओके मैम, थैंक यू। हेलो सर, आपका नाम? सर मेरा नाम अक्षय कुमार यादव। अक्षय सर, सर आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ सर, बेसिकली। ओके सर, आप इस लाइब्रेरी में कितने दिनों से आ रहे हैं? सर मेरे को 1.5 महीना हो गया ऑलमोस्ट। ओके तो सर, इस लाइब्रेरी का फीस आप कितना पे करते हैं? सर मैं 1400-1500 पे करता हूँ 12 hours के लिए अराउंड। ओके सर, सर आप तैयारी किसकी करते हैं? मैं सर UPSC कर रहा हूँ। ओके तो सर, आप जब से घर से आते हैं और इस लाइब्रेरी में जितने समय रहते हैं उसमें पढ़ाई में आप कितना समय देते हैं फुल? सर 12 आवर्स में से 7 to 8 hours एफिशिएंसी निकल पाती होगी ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा तो मुश्किल है मेरे हिसाब से, हर एक पर्सन का अपना अपना होता है बाकी। ओके सर, इस सर इस लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ शोरगुल डिस्टर्बेंस किसी प्रकार का होता है या सही है? नहीं सर, ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस है नहीं, पीसफुल एनवायरनमेंट है और लाइटनिंग वगैरह भी ठीक है और बाकी आजकल पता है ऑनलाइन एक्सेस चाहिए तो वाईफाई वगैरह की भी सुविधाएँ काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे। ओके वाईफाई सर आपको फुल मिलता है जब तक रहते? 24 hours ऑल अनलिमिटेड वाईफाई है, 2-3 वाईफाई हैं तो ऐसा इशू आता नहीं वाईफाई में, कभी दूसरा नहीं चलता तो दूसरा चल रहा होता है। ओके सर, आपने जैसा बताया UPSC की तैयारी करते हैं, कितने अटैम्प्ट आपने दे दिए? सर मैंने 1 अटैम्प्ट दे दिया है। सर कैसा गया आपका अटैम्प्ट? मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया उसमें। ओके सर, सर आपसे बात करके अच्छा लगा, आई होप सो जितने भी यहाँ हैं सब सक्सेस हों अपने आने वाले अटैम्प्ट में, थैंक यू सो मच सर आपका। सर हेलो मैम, नमस्कार, आपका नाम मैम? मेरा नाम मोनिका है। मैम आप कहाँ से हैं? मैं सर करोल बाग से हूँ। करोल बाग से। मैम आप इस लाइब्रेरी में कब से आ रही हैं? मैं 4 महीने से आ रही हूँ। तो मैम यहाँ से करोल बाग का डिस्टेंस तो थोड़ा दूर पड़ता है, आप वहाँ से हर दिन आते हैं? हाँ जी, मैं रोज आती हूँ। ओके मैम, आप इस लाइब्रेरी में अपना कितना समय देती हैं? मैं 8 घंटे। 8 घंटे, 8 घंटे की फ़ीस कितनी है मैम? 1500। मैम अगर हम इस लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ की बात करें तो जो ऑनर्स ने पहले बताए रहे होंगे जो भी फैसिलिटीज़, वो आपको पूरी मिलती है या कि फिर वो पूरा नहीं मिलता? नहीं नहीं, पूरी मिलती है, एज ए वाईफाई, पानी, आरओ का, लाइट, बिल्कुल फुल फैसिलिटीज़ है। ओके मैम, अब हम जानना चाहेंगे आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं? मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ओके मैम, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हाँ तैयारी अच्छी चल रही है। मैम इस लाइब्रेरी में पढ़ने का एनवायरनमेंट कैसा है? एनवायरनमेंट अच्छा है, कभी शोरगुल डिस्टर्बेंस नहीं होता? नो नो नो, ओनली साइलेंट मोड। ओके मैम, इस लाइब्रेरी में पढ़ के आपको अच्छा लगता है, घर से अच्छा है, रूम से? घर से अच्छा है, लाइब्रेरी आने से क्या है एक डिसिप्लिन बना रहता है, आदमी सुबह घर से निकलता है, तैयार वैर होता है और एकदम एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, जैसे टाइम टेबल से आदमी पढ़ लेता है अच्छे से। ओके मैम, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए।